अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर अनदर डे व्लॉग इन माय लाइफ कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे मैं भी अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मजे में तो जनाब आज मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ अपना रेगुलर डे के मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ मॉर्निंग कैसे गुजरती है फिर दिन में मैं क्या क्या काम करती हूँ ज़्यादा तो डिटेल से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अदरवाइज व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है लेकिन चलें आज मैं अपना स्टार्ट करी थी डे का बच्चों का लंच वगैरह बन रहा है साथ उनका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो ब्रेकफास्ट भी हमारे घर में दो तरह के खाए जाते हैं कुछ हैं मेरे बच्चे जिनको ब्रेड चाहिए है विद एग कुछ बच्चे हैं उनको रोटी चाहिए है किसी भी जो लेफ़्ट ओवर रात का सालन होता है उसके साथ और कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनको सिर्फ मिल्क एंड कुकीज़ चाहिए होते हैं तो दो तीन तरह के नाश्ता हमारे घर में बनते हैं और फिर मैं और नवीद हम लोग लेटर करते हैं वो आपको पता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं नवीद की पहली क्लास डन हो जाती है जब वो नीचे आते हैं अराउंड नाइन नाइन थर्टी और टेन के करीब तो फिर हम दोनों नाश्ता करते हैं क्योंकि वो टाइम हम दोनों फिर गप्पे शपे भी लगाते हैं नाश्ते के टेबल पर हम इन्जॉय करते हैं काफ़ी डिस्कशन होती हैं बच्चे भी घर पर नहीं होते क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करते हैं ताकि बच्चों पे वो सारी चीज़ें जो हम लोगों के जिनों में चल रही होती हैं उनका कोई इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं पड़े तो ये बड़ा ज़रूरी होता है ये मैं आप लोगों को एक टिप भी दूँगी अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि गुल प्लीज़ अब आप अपने ब्लॉग्स बनाती हैं तो बच्चों के मामले में या जिस तरह से वो कहते हैं ना वो पेरेंट हुड के मामले में कोई थोड़ी छोटी छोटी टिप्स दिया करें तो जिस तरीके से मेरा कोई प्लान नहीं होता कि आज मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है या आज मैं आपको ये टिप दूंगी लेकिन जैसे ही बातें निकलती हैं तो उनमें कभी कभी मुझे खुद से ही कुछ बातें याद आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो जनाब हमारा ये बहुत लाइक जब से हमारे बच्चे बड़े हुए और जब से हमें लगा कि उनको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई हैं हम जो बातें करते हैं जो फैमिली की कोई बात हम डिस्कस कर रहे हैं फ़्रेंड्स की कोई बात डिस्कस कर रहे हैं अच्छे हालात की बुरे हालात की कुछ भी हम डिस्कस करते हैं तो बच्चों का बच्चों पर उनका इम्पेक्ट पड़ता है तो फिर हम लोगों की कोशिश होती थी कि हम लोग वो चीज़ें बच्चों के सामने ज़्यादा डिस्कस ना करें क्योंकि पता क्या होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के बारे में बात की तो वो बच्चों के जहन में उस तरीके से वो बातें आहिस्ता आहिस्ता वो बनती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता वो बातें बच्चों को याद रह जाती हैं जो कि उनकी पर्सनलिटी की डिवेलपमेंट में अच्छी नहीं साबित होती तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और जो बड़े हो रहे हैं और आपको समटाइम्स ये होता है आपको अपने बच्चे हमेशा छोटे ही लगते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि उनकी माशाल्लाह जो समझ है या उनकी जो सारी उनकी जो कहते हैं ना ब्रेन की डेवलपमेंट है वो हो चुकी है और जो कुछ आप कह रहे हैं या जो कुछ आप कर रहे हैं वो उनको याद रह जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की जो डिवेलपमेंट हो रही है जो बच्चे जिस तरीके से आपके बच्चे बन रहे हैं वो उनकी क्योंकि ये जो चीज़ें वो सीखते हैं वो लाइफ टाइम उनके साथ रहती है मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ के स्टार्ट में लोग कहते हैं कि चलो अभी आदत कर रहा है बच्चा बड़ा हो जाएगा खुद समझ जाएगा खुद से सही हो जाएगा तो मैं मैं इसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ मेरा ये मानना है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो जब आप उनकी आप उनको सही और गलत बता रहे होते हैं तो वो वही टाइम होता है सही तौर पर उनको सही और गलत बताने का क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना उनकी वो हैबिट्स जो है वो बहुत पक्की हो जाती हैं और पक्की वाली जो हैबिट्स होती हैं ना उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है लाइक हम बड़े हो के भी जब हम इतने बड़े हो गए हैं हमारे माशाला अपने बच्चे हैं अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ लेके आना तो वो हमारे लिए भी ईजी नहीं है तो आप खुद सोचें कि वो बच्चों के लिए कैसे ईजी हो सकता है बच्चे तो इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं जब बच्चों को एक चीज़ ठीक लगती है तो उनको लगता है कि ये ठीक है तो हमारे बच्चे तो जब छोटे थे तब से अभी तक हम लोगों ने ये रूल बना हुआ कि बच्चों को बताना है राइट वे बताना है कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है ये और ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक है और जो चीज़ गलत होती है उसकी उनकी अगर वो उसको रिपीट करते हैं तो फिर हम बच्चों को बिठा के एक्चुअली हम लोग टॉक करते थे बच्चों के साथ बेशक बच्चे छोटे भी होते थे ना तो नवीद की आदत रही है नवीद हमेशा बच्चों के साथ बा, बात करते हैं डायलॉग करते हैं मैं बातें तो बहुत करती हूँ लेकिन सीरियस बातें मैं बच्चों के साथ कम ही करती हूँ तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एज़ अ पेरेंट्स हम बच्चों को उनके छोटे होते से ही चीज़ों को अच्छे बुरे का बताना स्टार्ट करें लोग मुझे कहते हैं कि गुल अभी तो आपके बच्चे बड़े हैं तो आपकी लाइफ ऐसी नज़र आती है जब आपके बच्चे छोटे थे तो तब के एक्सपीरियंस से शेयर करें तो जनाब मेरे जब बच्चे छोटे थे ना तो मेरे बच्चे ऐसे ही थे माशाल्लाह अच्छे थे लाइक like, कोई बदतमीजी नहीं करते थे रोना धोना चीखना चिल्लाना नहीं करते थे और मेरा घर भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन होता था हाँ एक चीज़ जो होती थी जिस जिसपे मैंने बच्चों के बड़े होने के बाद टाइम दिया है, वो है मेरा माई सेल्फ़ लाइक जो कहते हैं ना कि अपनी केयर करना कि वो सेल्फ केयर करना कैसे की जाती है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने सिर्फ अगर किसी एक चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया या थोड़ा उसको मैंने अपनी से प्रायोरिटीज़ में नहीं रखा तो वो था कि जैसे मैं अभी अपना ख्याल रखती हूँ लाइक अपनी स्किन केयर का अपने हेयर केयर का कि इन चीज़ों का जो मैं ध्यान करती हूँ उस वक्त ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं मैं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास जब भी बच्चे सोते थे बच्चे बच्चों के नैप टाइम होते थे तो मैं कपड़े आयरन कर लेती थी कुकिंग कर लेती थी घर की क्लिनिंग कर लेती थी तो मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता था लेकिन मैंने इन अलहमदिल्ला अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से है माशाला चार बच्चे भी बहुत ज़्यादा गैप के साथ नहीं थे तो लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स आती थी मेरे घर में या मेरी सिस्टर आती थी मेरे घर में तो जब ऐसा कभी सिलसिला होता था तो लोग बड़े हैरान होते थे कि तुमने ये सब चीज़ें कैसे मैनेज की हैं तो बिल्कुल सही बात है कि मुझे अपनी नींद की थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती थी कि मैं क्या करती थी रात के टाइम जब मेरे बच्चे सो जाते थे क्योंकि नॉर्मली बच्चे नाइन नाइन थर्टी सो जाया करते थे तो मैं क्या करती थी कि मैं रात में अपने घर की ज़्यादा सारी क्लिनिंग कर लेती थी लाइक वैक्यूम करना है डस्टिंग करनी है बेड चेंज करनी है लॉन्ड्री करनी है मैं रात को कर लेती थी जैसे सुबह बच्चे उठते थे तो वो तो आपकी बात ठीक है कि बच्चों के उठते साथ दोबारा से घर में मैस होता है लेकिन अगर आपने रात को क्लीनिंग की होती थी ना तो फिर दिन का जो मैस होता था वो साथ साथ अगर आप क्लीन करते थे तो बहुत ज्यादा काम इकट्ठे नहीं होते थे और जो कुकिंग थी कुकिंग में नॉर्मली बच्चों के नैप टाइम पर जब बच्चे नैप लेते थे बच्चों मेरा रूटीन होता था कि बच्चों को ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे नहला धुला के खूब तेल से मैं उनकी मालिश किया करती थी लाइक बच्चों को मैंने इतना बॉडी मसाज दिया हमारे हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे बच्चों को ऐसे ही बॉडी मसाज दिया जाता था तो मैंने उसी तरीके से बच्चों को अच्छे से मालिश करना और उसके बाद बच्चों को एक क्वाइट रूम में अकेले रूम में सुला के निकल आती थी फिर मेरे बच्चे माशाल्लाह दो से तीन घंटे के लिए सोया करते थे उसमें क्या होता था कि मैंने कुकिंग करनी होती थी आटा गूँधना होता था ख़ुद शॉवर लेना होता था या कोई ऐसा काम जो जो मेरे बच्चों के सोने में लाइक जिस तरीके से मैं कपड़े आयरन नहीं करती थी जब भी मैंने इतने सालों तक जब तक मेरे बच्चे छोटे थे मैंने कभी कपड़े आयरन बच्चों के जागते में नहीं किए मुझे बड़ा डर लगता था कि अगर कोई बच्चा था केंचले इस, इस तरीके की इस तरीके हाथ ऊपर बच्चे का हाथ लग जाए या स्त्री गिर जाए लाइक मैं इतना डरती थी तो मैं इस्त्री करती ही नहीं थी जब मेरे बच्चे जाग रहे होते थे तो अभी माशाल्लाह चुके बड़े हो गए हैं तो लाइफ का रूटीन चेंज हो गया अब मेरा जब दिल करता है मैं काम कर लेती हूँ कोई टाइम की लिमिट नहीं है अपने लिए नींद का भी टाइम निकल आता है अच्छी नींद भी ले लेती हूं और उसके अलावा अपने ऊपर तवज्जो भी दे देती हूं तो ये पता है आप जिन-जिन के बच्चे छोटे हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस यही आते हैं कि गुल आपने कैनेडा में अकेले चार बच्चे कैसे पाले हैं तो प्लीज़ हमें टिप दें हमें समय नहीं आती कि हम कैसे बच्चे पहले अभी हमारे पास एक है किसी के पास दो है तो जनाब कोई फ़िक्र की बात नहीं है और आप देखिएगा बिल्कुल ये टाइम हार्ड लगता है मुश्किल टाइम लगता है कभी कभी आप रोते भी हैं वो कहते हैं ना मॉम की वो फीलिंग आती है कि उनको लगता है कि शायद हमसे सब कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा लेकिन आप यकीन करें कि ये टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है जब वो गुजर जाता है ना तो फिर आप उस टाइम को मिस करते हैं अभी मैं बच्चों का जब मेरे बच्चे बेबीज़ थे ना तो वो मैं वाकई ही मिस करती हूँ लेकिन वो वो बोलते हैं ना कि जिस वक्त में आप होते हैं जिस टाइम से आप गुज़र रहे होते हैं वो टाइम आपको हार्ड लग रहा होता है तो प्लीज़ कोई अपना दिल छोटा ना करें जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो आप दुआ करेंगे कि ये टाइम वापस आए जो अभी आप लोग इनके साथ गुजार रहे हैं सेम इसी तरीके से जब मेरे बच्चे अभी माशा इन बिटवीन एज में है ना बहुत बड़े हो गए हैं ना छोटे हैं तो मैं इन बिटवीन के वो एज को हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज चले गए हैं या जिनके बच्चों की शादियाँ हो रही हैं तो चूँकि यहाँ पे हर एज के लोग रहते हैं तो मेरी दोस्ती उन लोगों से भी है तो वो मुझे कहती है कि गुल जो ये टाइम है ना तुम्हारे बच्चों का तुम इसको मिस करोगी कि उनके लिए खाने बनाने उनके साथ बैठ के टेबल पे खाना खाना उनके साथ अपनी बातें शेयर करना या उनका इंतज़ार करना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं या उनकी शादियाँ हो रही हैं तो आप लोग इस टाइम के लिए तरसेंगे तो मैं वाकई कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक कहती है मेरी फ्रेंड्स क्योंकि मैं अपने बच्चों का वो बेबी टाइम मैं बड़ा मिस करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हालांकि बहुत अच्छा टाइम गुजारा फिर भी आप मिस करते हैं ना कि छोटा सा बेबी उसकी टेक केयर करना उनकी रोन के वो घर में एक डिफरेंट सा माहौल होता था उस वक्त वो तो बड़ा मुश्किल लगता था कि ये बच्चे तो जो हैं ये कब बड़े होंगे अल्लाह करे जल्दी से बड़े हो जाएँ तो ये बस सब्र करें इन शाला तला ये सारा टाइम गुजर जाएगा और झटपट में गुजरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा चलें जनाब आज मैं आपको साथ जो रेसिपी शेयर कर रही वो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए किसडिया और वो मैं बच्चों के लिए लेफ्ट ओवर कीमे के साथ बना रही हूँ आपको याद है कल मैंने कीमा आलू बनाया था तो उसके मेरे में पास लेफ्ट ओवर था मैंने क्या लिया है किया है मैंने लिया है नान नान को मैंने नान के ऊपर मैंने कीमा और आलू को मैंने स्प्रेड कर देना है और ये इतने अच्छे से स्प्रेड करने आपको कोई इवनली हो कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छे से जब ये स्प्रेड हो जाएगा इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे कोई भी सॉस मेरे घर में सिराचा सॉस खाई जाती है तो मैं वो डाल डाल दूँगी और अगर आपके घर में कोई भी लाइक like, बार्बिक्यू सॉस है या कोई भी ऐसी सॉस जो आपके बच्चे पसंद करते हैं वो सॉस डाल दें इसके ऊपर हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर एक और नान रख देंगे और फिर हम इसको कर देंगे ग्रिल झटपट में रेसिपी बन जाती है कभी कभी आपका दिल करता है ना कि आप कोई ज़्यादा मेहनत ना करें और काम जल्दी से हो जाए तो आज का मेरा वो दिन है जिसमें मैं मेहनत नहीं कर रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम सारे जल्दी से हो गए हैं तो बस है ना अब ये काम हम लोग कर देंगे डन बच्चों का डिनर भी रेडी हो जाएगा और हम लोगों के पास भी आलू की पड़ा है हम भी इसी को गर्म करेंगे और साथ रोटी के साथ खा लेंगे क्योंकि नवीद और मैं कोई ये सारी चीज़ें इतने शौक से नहीं खाते हैं बस चख लेते हैं चखते हैं हम जरूर हम मैं जो भी कुछ नया बनाती हूँ हम जरूर खाते हैं लेकिन मेरे बच्चों को भी वो देसी स्टाइल में चीज़ें अच्छी लगती हैं ये जो अगर आप बाहर जाके ऑर्डर करें और इसमें उन लोगों ने अपनी फीलिंग डाली है तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं लेकिन जब मैं घर में बनाती हूँ तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं तो अगर आपके पास भी कोई भी लेफ्ट ओवर ड्राई वाला सालन है तो उसको लें जल्दी से ये रेसिपी बना के अपने बच्चों को दें आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा लंच के लिए बहुत अच्छा आइडिया है और अगर घर में डिनर या आपने स्नैक्स के तौर पे खाना है तो भी ये बहुत अच्छी चीज़ है तो जनाब ये जो बातें हम लोग पहले कर रहे थे ना बच्चों के पालने की तो ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि जब आप बच्चों को पाल रहे हो ना उनको अपना टेबल फ़ूड खिलाएं प्लीज़ उनको ये आदत ना डालें कि उनको चिकन नगिट्स बना के दे रहे हैं उनको पास्ताज बना के दे रहे हैं उनको बाहर से चीज़ें मंगवा के दे रहे हैं फ्राइज आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कि मैं जो चीज़ बनाती हूँ मैं अपने सारे बच्चों को वही देती हूँ हाँ मेरे घर में एक बैवल्स ऐसी है जिसको ग्रेवी वाले सालन अच्छे नहीं लगते हैं जिस तरह की ये चीज़ मैं बना रही हूँ ये खा लेगी फिश बना रही हूँ इस तरह की ड्राई चीज़ें खाती है ग्रेवी वाली चीज़ें नहीं खाती लेकिन उसके लिए मैंने कभी उसको सेकेंड ऑप्शन नहीं दी है मैं जो बनाती हूँ उसकी ग्रेवी निकाल के उसको दे देती हूँ कि चलो ये तुम सूखा सूखा सालन खा लो और हम लोग ग्रेवी खा लेंगे तो मेरे मैंने हमेशा से मेरे जब बच्चे छोटे थे ना तो जब बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने ये नहीं खाना हमने वो नहीं खाना तो मैं अपने बच्चों को इंसिस्ट करती थी कि वो वही वो चीज़ खाएं जो हमने बनाई है क्योंकि जब आपके माशाल्लाह आप बच्चे होते हैं फैमिली बड़ी होती है और आपके पास कोई हेल्प नहीं होती तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दो दो तीन तीन चीज़ें बनाना तो सिंस हम लोग कैनेडा आए तब से लेके अभी तक मेरा एक ही रूटीन है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही डिश बनाती हूँ हाँ ये अलग बात है कि मैं वो चीज़ें जो मेरे बच्चे जिस तरह मेरे डिजाना को पालक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती तो जिस तरह मैं पालक बनाती हूँ वो कहते हैं ना वनस इ ब्लू मून इट्स ओके कि कभी अब पंद्रह बीस दिन बाद आपका कोई बच्चा कहे कि अम्मा मुझे ये नहीं खाना ये अम्मा मुझे ये डिफरेंट चीज़ दे दे तो मैं बिल्कुल दे देती हूँ ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी उनको मैंने कभी डिफरेंट चीज़ ऑफ़र नहीं की बिल्कुल ऑफ़र कर देती हूँ मेरे पास फ़्रोजन पिज्ज़ाज़ होते हैं मेरे पास शामी कबाब होते हैं मेरे पास फ़िश पड़ी होती है इस तरह की चीज़ें बर्गर्स ये चीज़ें मेरे पास होती है तो मैं बच्चों को ऑफ़र कर देती हूँ लेकिन डेली बेसिस पे ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ तो जब मेरे बच्चों को कोई ऐसी चीज़ जिस तरह वो नहीं खाते हैं उस दिन उनको वो चीज़ मैं देती हूँ नॉर्मली हमारे घर में एक ही सालन बनता है और वो एक ही सालन हम सब लोग खाते हैं और अलहमद ये बच्चों की आदत मैं इस आदत से बड़ी खुश हूँ बल्कि मेरी अम्मी जब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो मुझे कहते हैं कि गुल तुम्हारे बच्चे जितने अच्छे तरीके से माशाला सब चीज़ें चुप करके खाते हैं पाकिस्तान में तो अब हमारे जो फैमिली के बच्चे हैं उनके तो बड़े नखरे हैं वो तो बाहर से पिज्जा ऑर्डर करते हैं ये खाना है वो खाना है पास्ताज और लाइक उस तरह के जो फैंसी फूड जो है ना जो आजकल बड़े फैंसी होते हैं जो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं और अपने बच्चों को लेट भी करते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ हाँ आपको पता है हम हफ्ते में एक दफ़ा बाहर से खाना खाते हैं पिज़्ज़ा नाइट होती है बच्चों के साथ या कभी हम किसी कभी किसी ज़माने जाया करते थे अब तो हम नहीं जाते हैं डाइन इन करने के लिए तो वो जब डाइन इन करने जाते थे तो बच्चों की पसंद की जगह पे चले जाते थे तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है लेकिन जो घर में टेबल फूड होता है ना वो बच्चों को आप आदत डालें ऐसा ना करें कि आज मेरे बच्चे ने ये चीज़ नहीं खाई तो चले मैं जल्दी से ये चीज़ बना देती हूँ बच्चों को वो ही दें और अगर आपका बच्चा एक टाइम पर नहीं खा रहा उसको भूख लगेगी तो वो वाकई आएगा और वो वही चीज़ खाएगा जो आप उसको ऑफ़र करेंगे लेकिन अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑप्शन देंगे ना तो आपका बच्चा कभी भी आपको आपकी बताई हुई चीज़ पर येस नहीं करेगा वो हमेशा आपको हार्ट टाइम देगा तो बस ये जनाब आज छोटी छोटी बातें थी मेरे पास जो मैंने कहा आपको मैं अपने बच्चों की परवरिश के वक्त या अपने बच्चों की जब मैं अब ब्रिंगिंग मेरी बच्चों की हो रही थी जो मैं उनके साथ करती थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये जो व्लॉग है ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी और आप लोग जिनके बच्चे छोटे हैं उनको इससे हेल्प भी मिलेगी तो अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में और कोई ऐसा और सवाल जो आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं मैं उस पर भी बात ज़रूर करूँगा वैसे तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अलहमदुल्ला चूँकि चार बच्चे मैंने पाले अलहमद अकेले हस्बैंड के साथ और कोई पे फैमिली मेंबर नहीं था तो लगता है कि हम लोग हम लोगों ने लोग जो करना चाहते थे हमने अपने बच्चों को वैसे ही पाला है तो अगर मेरी इन इन बातों से या इन से या चीज़ों आपको कोई हेल्प मिलती है या कोई आइडियाज मिलते हैं तो प्लीज आप कोई भी बात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी तो चलें जनाब अभी मैं ले लूंगी आपसे इजाज़त उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वाला जो व्लॉग है आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल मुझे रखिएगा दुआ में याद टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़